हेलो फ्रेंड्स, जुली किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी तोरी की सब्ज़ी बिना मसाले की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg ताज़ी तोरी को उसके पील को अच्छे से रिमूव करने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद इसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से कट करना है, ना तो ज़्यादा मोटा कट करना है ना तो ज़्यादा पतला। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तोरी हमारा बिल्कुल फ्रेश है, तो यहाँ पर मैंने एलुमिनियम की कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी अच्छी बनती है, इसीलिए आप सरसों का तेल यूज़ करें। और तेल गर्म हो जाने के बाद डाला है मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी मिर्च, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 2 ग्रीन चिली भी डालेंगे साथ में। और अब हम डालेंगे एक बड़ा साइज कटा हुआ प्याज। प्याज को डालने के बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे कटा हुआ तोरी। तो यहाँ पर मैंने तोरी को डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तोरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कवर कर कर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट तक इसको हम मिक्स भी नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। कवर कर दें, यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन को खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं तोरी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको हम फिर से मिक्स कर लेते हैं और अब हम डालेंगे यहाँ पर मसाले। तो मसाले में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है, मैं लूँगी यहाँ पर सिर्फ हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। आप चाहे तो यहाँ पर चिली पाउडर भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। और इन सबको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं तोरी की सब्ज़ी हमारी 95% तक बनकर रेडी हो चुकी है। बट मैं इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश करते हुए और हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मैश करते हुए 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये हमारी तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बट अगर आपको ग्रेवी वाली तोरी नहीं पसंद है तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लें हाई फ्लेम पर। तो अब हम चलते हैं फटाफट सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारी सिंपल एंड टेस्टी तोरी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप इस तोरी की सब्ज़ी को मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं, झटपट में नाइट के डिनर में खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल बिना मसाले की तोरी की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है आपके लिए। तो फटाफट इस रेसिपी को बनाकर खाइए और आप अपने घर के बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।